मैं अपनी तरफ से कुछ साधकों को यहाँ पे बुलाऊंगा, उनसे थोड़ा बातचीत करूंगा आए हुए हैं। सबसे पहले पूना के जो वो पुलिस अधिकारी रिटायर, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप ही हैं, आप ही हैं, आ जाइए, नज़दीक से बात करूँ आपसे। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आप एक बार अपना नाम। मेरा नाम सुरेश काने। जी जी। नई मुंबई से आए हो? महाराष्ट्र? हाँ, मुंबई या पुणे से आप? वो पुणे बाजू का है हमारा। अच्छा, मैं तो आपको पुणे का न्यू प्लेस पुणे है, सर्विस के लिए बॉम्बे भेज रहता है। अच्छा अच्छा, आप मुझे रोजाना ही प्रणाम लिखते हैं। अब आप कितना ध्यान करते हैं? ध्यान पहले ज़्यादा नहीं था, अभी रिटायर होने के बाद बहुत ध्यान ही ध्यान करता है, ज़्यादा कोई जवाबदारी नहीं है। तो सुबह एक घंटा प्राणायाम वगैरह करता है। हाँ, आपने बताया था। दो तीन घंटा सुबह होता है, फिर दिन भर मंत्र जाप करता है, शाम को भी होता है, ऐसा चार पाँच छः घंटा होता है, पर मंत्र जाप कंटिन्यू चालू रखता है। तो टोटल कितना ध्यान हो गया आपका एक दिन का? एक दिन में चार घंटा तो ऐसा बनता है, और एक घंटा प्राणायाम करता है और मंत्र जाप कंटिन्यू होता है। हाँ, काफ़ी हो गया। हाँ, मैं समझ गया। अच्छा, इसके अलावा घर में वर्तमान में घर की कुछ जिम्मेदारी आप निभाते हैं? अभी नहीं है, पर खाली छोटा हमारा लड़के का छोटा बच्चा है ना, वो थोड़ा सा ये करता है, डिस्टर्ब करता है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, जब आप ध्यान करते हैं तो कुछ अनुभूति होती है क्या शरीर में? अभी इतना तो नहीं, मगर जब भी बैठता है ना तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा इधर लगाता है आपका फोटो सामने रखे तो वाइब्रेशन इतना होता है, इतना होता है, उससे भी मैं चला जाता है। फिर एक्चुअली कुंडलिंग तो उठाया नहीं था, मगर वाइब्रेशन बहुत मिलता है। हाँ, कभी शरीर में प्राण वगैरह, मतलब प्राण की अनुभूति हुई नहीं हुई ऐसी? अभी ये सब नहीं लगता है। अनुभव आए कभी? हाँ, नहीं है। क्या मंत्र जाप जो करते हैं, जैसे कि मैंने आज अभी मैंने किया मंत्र जाप सभी शाम, क्या इसी तरह करते हैं? हाँ, ऐसा है। आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, काफ़ी समय से आप कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा हो रहा है, अभी थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ गए है अभी। अभी यानी आज ये दो तीन महीने से ज़्यादा बढ़ गए। तो आपने भविष्य के लिए क्या सोचा है? बस इसमें पूरा आध्यात्मिक करने, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली जैसा मुक्ति कुछ बोलता है ना, आत्म साक्षात्कार, ऐसा सोचेगा हम कौन है, इसके लिए जानना है मेरा जन्म काय के लिए हो गया। अभी खैर कोई बात नहीं, पहले शुरुआत करें। चलो ठीक है। आपको घर में किसी तरह का अवरोध नहीं, जैसे आपके बेटे हैं? नहीं नहीं, कोई कुछ कहता नहीं है कि ये आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जवाबदारी नहीं ना। हाँ, अच्छा अच्छा जैसे अभी ओम मंत्र का जाप कर रहे थे आज, तो शरीर में कुछ हलचल महसूस होती नहीं? हाँ, होता है। कहाँ होता है कुछ, ताकि मैं समझ सकूं कुछ? वाइब्रेशन आता है पीछे से भी। हम कहाँ पे, आपने पीछे इशारा किया, मैं समझ नहीं पाया। मूलाधार चक्र पीछे, मूलाधार पे थोड़ा गर्म लगता है, और सर के ऊपर यानी सहस्रार चक्र पे ऊपर पूरा वाइब्रेशन। अच्छा, सिर का ऊपरी भाग में वाइब्रेशन महसूस होता है। ठीक है, आप कठोर साधना करिए, और फिलहाल मैं थोड़ा संकुचित हो जाऊंगा। मैं अपने आप को जैसे कछुआ है ना, कछुआ मराठी में कासव क्या बोलते हैं, तो हम कछुए की तरह, जैसे नहीं कछुआ होता अपने पैर और मुंह को सिकोड़ लेता, तो ऐसे मैं अब सिकुड़ूंगा। समझ आ रहे हैं? मतलब कम संपर्क में रहूंगा थोड़ा धीरे धीरे। मैं भी साधना करता हूँ, मुझे भी करना पड़ता आगे के लिए, तो संपर्क बनाए रखना, थोड़ा परिश्रम करिए अपने आप में। और प्राणायाम में कुंभक कितना लगता है? कुंभक डेढ़ मिनट। डेढ़ मिनट पहला वाला लग जाता है, इजीली जाता है ऐसा। एक मिनट तो फटाफट होता था, अभी बढ़ा दिए। अच्छा अच्छा,
कितनी बार करते हैं आप? सुबह करता है, शाम को करता है, और बीच में कभी ऐसा टाइम मिलेगा तो खाना खाने के पहले। हाँ, तो अब तीन बार, क्योंकि आपका कोई वैसा काम नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा टाइम मिलेगा वैसा ज्यादा। तो हाँ, जैसे आप दोपहर का खाना खाते हैं ना, उसके थोड़ा पहले करते हैं, हालांकि उस समय भूख लगी होगी, लगती है कि लो मैं जल्दी से खाना खा लूँ, जो भी टाइम हो, एक डेढ़ बजे दो बजे, लेकिन आप थोड़ा समय निकाल के अगर आप एक बजे खाना खाते हैं तो 12:30 बजे आप प्राणायाम कर लें जी, थोड़ा रुके, तुरंत खाना ना खाएं, 5-10 मिनट रुक जाएं जी, अंदर फिर वो क्रिया होती, फिर खाना खाएं, ठीक है। और प्राणायाम जब कर लें तुरंत पानी भी ना पिएं, जैसे प्यास लगेगी, गर्मी बढ़ेगी, ज़्यादा अभ्यास करेंगे, तुरंत पानी ना पिएं। और ऐसा भी नहीं कि पानी पी के प्राणायाम ऐसा भी ना करें, मतलब कहने का पहले से थोड़ा नॉर्मल हो, गर्मी बढ़ेगी, प्यास लगेगी, थोड़ा सा कंट्रोल करें और फिर बाद में आप पानी पी सकते हैं, इससे फर्क पड़ेगा। तो आप तीन बार करिए। आपका वीडियो पहला उसके बारे में पूरा सुना है, वैसा ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब अभ्यास में लगे रहिए। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.